अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये हम बेबी कैप बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। ये हमने दो कपड़े काटे हैं, दो पीस जिनकी स्क्वायर में काटा है 19-19 इंच। ये देखें, 19 इंच इस तरह काटा है और 19 इंच स्क्वायर में काटा है हमने। तो इसके बाद हम इसको चार तहों में फोल्ड करेंगे। ये दो कपड़े हैं, ये चार दो तहों में कपड़ा है, इसको हम अब चार तह करेंगे इकट्ठा। इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और इसकी चार तहें बनाएंगे। तो उसके बाद हमने इस पे पहले से निशान लगा के रखा हुआ है, सर्कल बनाएंगे हम इसका 10 इंच का। हर तरफ 10 इंच ही होना चाहिए, 10.5 इंच। ये देखिए, 10.5 इंच का हमने सर्कल बना के रखा हुआ है। इसके बाद हम इसको सर्कल में काट लेंगे। दोस्तों, उसके बाद हमने इस पे सर्कल लगा लिया है 7 इंच पे और 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे इसके लिए कि इसमें हमने इलास्टिक डालनी है, ठीक है। तो अभी हम इसकी सिलाइयां लगा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अब सिलाई लगा ली है। अंदर वाला सर्कल मुकम्मल सिलाई की है, बाहर वाले सर्कल में से यहाँ से जगह रखी है इलास्टिक डालने के लिए। तो अभी हम आपको इलास्टिक डाल के दिखाते हैं। इलास्टिक हमने 18 इंच काटी है, ठीक है। तो अभी हम इलास्टिक को लगाएंगे, ये इसके साथ स्विच साथ लगा के। तो अभी हम इसमें आपको इलास्टिक डाल के दिखाते हैं। तो अभी हम ये इसमें रबर डालने लगे हैं। तो अभी हम यहाँ स्टिचेस लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे। अभी हमने रबर डालने के लिए जो सुराख रखा था उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अभी हमारी तकरीबन कैप तैयार है। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। पैपिंग हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम ये अभी इसके ऊपर यहाँ पैपिंग करके आपको दिखाते हैं। पहले एक साइड पे,
अभी ये जो है ना इसकी हमने पैकिंग कर ली है, तो अब हम इसके ऊपर एक बटरफ्लाई बना के लगाएंगे और एक इसके ऊपर बटन लगाएंगे इसकी खूबसूरती में इजाफा के लिए। बटरफ्लाई बनाने के लिए हमने एक चकोर कपड़ा लिया था 4 इंच बाई 4 इंच का, उसकी हमने सिलाई लगाई है, तो उसको सिलाई लगा के हमने उल्टा दिया है, सिलाई अंदर चली गई है। तो हम अब इसके सेंटर से स्टिचेस करके उसको आपको बटरफ्लाई बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम 2-3 स्टिचेस ऊपर लगा देंगे बटरफ्लाई के लिए। और इसी धागे के साथ हम इसको कैप के ऊपर सिलाई, इसी सुई के साथ पहले हम इसी धागे के साथ इसको जहाँ पे हमने आखिरी सिलाई की थी, जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी, वहाँ पे सिलाई कर लेंगे और फिर इसी के ऊपर ही हम बटन लगा लेंगे इसको मजबूत करने के लिए। इसी कपड़े के साथ का बटन पहले से बना के रखा हुआ था, तो अभी हम इसको भी साथ तो अभी हमारी कैप तैयार है। ये देखें, बटरफ्लाई भी बना दी हमने, एक मोती भी लगा दिया। शुक्रिया, हमारी वीडियो देखें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।